बजकर 2 मिनट हो रहे हैं और मैं अभी उठा हूँ। बाहर देखो तुम कितना तगड़ा फोग। भाई मैं इतना देर से इसलिए उठा हूँ क्योंकि रात को जो है मेरा इंटरनेट ख़त्म हो गया था, मतलब मेरे फ़ोन का जो डाटा है वो ख़त्म हो गया था और लाली के फ़ोन का इंटरनेट भी ख़त्म हो गया था, मतलब उसके मैं रिचार्ज ख़त्म हो गया था और मैं उसी के फ़ोन से अपलोड करता हूँ, मतलब उसके पास VI की सिम है तो मैं VI में रिचार्ज करवा देता हूँ ताकि मैं रात को 12 से 6 फ्री वाला नेट यूज़ करके वीडियोस अपलोड कर पाऊँ। तो क्या हुआ कि उसका रिचार्ज कल ख़त्म हो गया 12 बजे और उससे पहले हमने रिचार्ज नहीं किया, तो मैंने सोचा कि मेरा नेट बचा हुआ है तो मेरे नेट से मैं रिचार्ज कर दूँगा। तो मेरे नेट से मैं रिचार्ज करने गया तो मेरा नेट भी ख़त्म हो गया, मतलब 100% मेरा यूज़ हो गया। तो उसके बाद फिर वो चला ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं चला भाई जिससे रिचार्ज करता हूँ वो ऐप। तो उसके बाद नेट आया 1 बजे करीब, मेरा नेट आया 1 बजे, फिर मैंने हॉटस्पॉट दिया उस फ़ोन में, उससे फिर रिचार्ज करा। रिचार्ज करने के बाद फिर मैंने वीडियोस अपलोड करे, वीडियोस अपलोड करके फिर मैं सोया हूँ। मेरे को वीडियो अपलोड होता होते 2 बज गए थे तो मैं 2 बजे सोया था। तो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल है, मैं बढ़िया हूँ, आप लोग कहते हो नीचे कमेंट करके बता देना और नए चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लेना बस। और भाई तुम क्या वेदर है यार, मतलब इतना मस्त, और मतलब फोक फोक हो रहा है, मस्त तो क्या कहो पर बढ़िया है भाई ना, मस्त। यो है मारो कालो बट्टो। ए भाई कसा के तू हरियो जा रही हो ऑफिस आज से बट्टे के क्या बोल रही है यार, मेरे काले बट्टे ने पहन रखी है जैकेट बट्टे के रंग, बट्टे के रंग की। मैं हो गया हूँ तैयार ऑफिस जाने के लिए, तो मैं निकल रहा हूँ ऑफिस। भाई साहब क्या कर रहे हो, आप भी ऐनक लगा कह रहे हो, क्या हाल है? चलो भाई निकलता हूँ मैं ऑफिस, मिलता है तुमसे रास्ते। क्या मौसम हो रहा है यार, देखो संडे वाली बिल्डिंग है भाई बिल्कुल पास में, वो दिखाई नहीं दे रही, इतना सारा फोक फोक हो रहा है भाई, क्या सेक्सी मौसम है भाई। बड़े दिनों से मतलब मैं सोच रहा था कि भाई सर्दियाँ क्यों नहीं आ रही है, सर्दियाँ क्यों नहीं आ रही है, और जब सर्दियाँ आई ना तो एकदम से सर्दियाँ आ गई, क्या बात है। और ना सही सलमान मेरे से एक दिन बोल रहा था कि भाई तेरे पास सब तेरे बातें कब ख़त्म होंगी, मैंने भाई पता नहीं यार, पर कभी कभी ऐसा होता है ना कि भाई मेरी बातें ख़त्म हो जाती हैं, मतलब मेरे पास कुछ बोलने के लिए नहीं होता। जैसे मैंने पिछला वीडियो डाला था एक जिसमें नो वर्ड फाला था, अगर किसी ने देखा नहीं है ना तो वो देखना, मतलब उस दिन मेरे पास बोलने के लिए कुछ था ही नहीं, तो मैं क्या बोलूँ यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। तो भाई सही बताओ ना, कभी कभी बातें ख़त्म भी हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई बातें ख़त्म नहीं होती, बस हो जाती है, मतलब दिमाग मतलब होती है बातें पर दिमाग में कुछ होता नहीं कि भाई क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, वही है। तो मैंने एक सांस में इतना सारा बोल दिया ना भाई, पता नहीं क्या ही बोल दिया, मैं समझ में नहीं आ रहा। बाकी सब बढ़िया मज़े में, तुम लोग रहो और हम भी रहते हैं, और सर्दियों में ध्यान रखो, बढ़िया गरम गरम कपड़े पहनो, मस्त फोटोस ले लो, किसी को कोई घूमने जा सकता है तो घूमने जाओ बढ़िया, कि अभी भाई अभी वाला ये जो वेदर है ना ये बहुत प्यारा वेदर है। और मुझे भी भाई मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं कहीं ना कहीं जाने वाला हूँ, जाने वाला तो क्या, मुझे अभी अभी तो मुझे नानी के गाँव जाना, और भाई नानी के गाँव में क्या एक्सट्रीम सर्दी पड़ती है ना, मतलब मज़ेदार सर्दी, वो मुझे वहाँ जाने का मौका मिल रहा है, बस मैं वहाँ जाऊँगा ही सही। तो कुछ नहीं अभी तो मैं ऑफिस पहुँचता हूँ, ऑफिस में पहुँच के ऑफिस के काम निपटाते हैं, अगर काम हो गए तो वरना फिर पढ़ाई कर लेंगे अपन। चलो भैया हम जा रहे हैं इस फ़ोन में बैटरी डलवाने, क्योंकि बहुत टाइम से फ़ोन जो है कितने % बैटरी हो इसमें फुल भरा रहा, उसके जस्ट बाद ये स्विच ऑफ हो जाता है, तो मैं इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। तो मैं और पवन भैया हम दोनों जा रहे हैं मार्केट। हैं पल्सर, पवन भैया पल्सर क्या फ़ायदा पर पल्सर होने का, घूमना तो अकेले ही है भैया, क्या फ़ायदा पल्सर होने का, घूमना जब मेरे साथ है। पल्सर होने का फायदा क्या, जब मेरे साथ ही घूमना है तो प्रॉपर 42 ले लो, सिंगल सीट ले, सिंगल सीट बस मजे करके अकेले घूमना। तो भैया फ़ोन तो अपने डाल दिया है दुकान पर, और अब हम लोग आ गए हैं मार्केट में सरियों की रेट पूछने पवन भैया के साथ। बस देखो हमारा तो घर बन बनना रहा है, पर हम किसी के घर बनने में मदद जरूर कर सकते हैं। हाँ भैया बैटरी ख़त्म हो गई थी ना, तो मैंने भाई इसको चार्ज पर नहीं लगाया, मतलब इसको वहीं पे चार्ज पर लगाने के लिए दे दिया था, तो भैया ना बढ़िया फ़ोन भी चार्ज पर लगा दिया, और अभी बस ये रेट वगैरह पूछ लें यहाँ से, उसके बाद हम निकल जाएंगे। तो भाई हम वापस आ गए दुकान पर, देखते हैं पूछते हैं भैया से हो गया कि नहीं हो गया। यह हो गया हमारा फ़ोन ठीक, अभी तो बैटरी डलवाइए फिर देखते हैं क्या होता है। चलो भाई बैटरी भी ले ली मैंने साथ में, और फ़ोन भी हो गया, मतलब अभी इस पर पट्टियाँ वगैरह चढ़ी हुई है, और निकलते हैं यहाँ से, सब बढ़िया देखते हैं कितना क्या चलता है।
पहुंच गए भाई अपन ऑफिस। क्या हुआ, क्या देख रहे हो? अच्छा सड़क देख, सकल देख रहे हो? सकल सुरक्षित है? हाँ सुरक्षित पहुंच गए। अभी निपटाया होता है, आपने सही बताऊँ ना, निपटाया होते ठुक गए होती वो आंटी जी भी कर जाती वहीं पे। हाँ आंटी जी भी कर जाती वहीं पे, मैं कह रहा हूँ ना, छोटे नहीं होते। हाँ यार इन्होंने बिखेरा था भाई। भाई ये तो ठीक हो गया, लेकिन इसमें बताऊँ क्या दिक्कत आ गई। इसमें ये दिक्कत आ गई कि ये वाला निशान जो है ना, ये बहुत छोटा सा था और ये बहुत बड़ा हो गया है, और बाकी इधर भी कुछ निशान और आ गए हैं यहाँ से लाइन से। इसमें शायद दिख नहीं रहे होंगे, या दिख रहे होंगे तो फिर बताना कैसे ये कैसे जाएंगे, अगर किसी को पता है तो। बाकी तो बैटरी तो बंडल वाली, अब देखते हैं कितना टाइम और चलता है, तब तक चलेगा तब तक चलाएंगे, फिर बाद में चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना भैया। चलो भैया हम निकल रहे हैं यहाँ से, पूछ लो ना कितने लेट आ रहे हैं, जब आएंगे तब हो जाएगा काम अपना भी। ठीक है भैया निकलते हैं अब घर के लिए बस, और तुम लोगों से मिलते हैं सीधा घर भैया, टाइम हो गया क्योंकि हमारा हम भी जाएंगे यहाँ, यहीं थोड़ी रहेंगे। तो चलो मैं निकल गया हूँ ऑफिस से, और भाई मेरे फ़ोन में बैटरी भी 6% बची है जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उससे, और इसका तो पता है तुम्हें बैंडेड बंदी हुई है इससे, तो मैं घर जाकर बाकी सब बढ़िया थोड़ी बहुत देर घर पर बात करेंगे आपसे इस फ़ोन से रिलेटेड कि मैंने इसको ठीक क्यों करवाया है। मिलते हैं टाटा। चलो पहुंच गया हूँ मैं रूम में, लालू ने मेरे को मेरा फ़ोन नहीं उठाया पता नहीं। और सिद्धार्थ तूने फ़ोन क्यों उठाया मेरा फ़ोन क्यों? मैं तो बाहर थी। फ़ोन तो उठाना चाहिए ना। क्यों? तो क्या देख रहा है? कौन देखेगा? नहीं उसको कौन देखा? हाय 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 क्या बात है। गाँव गया था तो तब से मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, भगवत गीता का मैंने पेज मंगवाए थे पर वहाँ में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला तो मैं नहीं पढ़ पाया था, बाकी अभी मैंने फिर से शुरू कर दिया। हाँ मैं वीडियोस में कम दिखाऊंगा और ना लोग बात कहेंगे कि भाई दिखा रहा है कि, तो अपने आप कम दिखाएंगे, ज़्यादा नहीं दिखाएंगे ज़रूर से क्योंकि ज़रूरी है। तो बाकी सब बढ़िया है, कल से मैं पहला अध्याय पढ़ना शुरू करूँगा, मेरी भूमिका अब जाके ख़त्म हुई भाई, कम से कम 25-30 पेज की भूमिका थी तो ये मैंने पढ़ ली है, ज़्यादा की थी मतलब, ये कुछ और पेज भी थे इसमें एक्स्ट्रा ऐड किए भाई ये सब ना, तो इसकी वजह से बाकी सब बढ़िया है। वैसे ये मेरा लास्ट पेज बचा हुआ है भूमिका का, तो मैं ये पढ़ लेता हूँ तब फिर मैं वापस पहुँच जाऊँगा अपने पीसी के सामने काम करने, और वो फ़ोन के बारे में तो मैं भी बताऊँगा थोड़ी देर बाद, पहले ये निपटाता हूँ फिर मिलता हूँ। अभी मुँह धोया है भाई क्योंकि अब मैं सोनूंगा तब, तो अभी मुँह धोया है मैंने और बस थोड़ी देर से बाहर आ गया, थोड़ा ठंडा लग रहा था भाई अभी भयंकर का, कोई नहीं भाई धर्मपति बर्तन खुले छोड़कर चली गई पता नहीं कहाँ पर, लाली पता नहीं कहाँ चली गई, बाकी कोई नहीं वीडियो मैंने एक्सपोर्ट पर लगा रखा था तो वो एक्सपोर्ट हो रहा है इसलिए मैं बाहर आ गया थोड़ा सा, मुझे पता है ना तो गायब हो गई थी। भाग्या मिलते हैं थोड़ी देर में, वीडियो एडिट करके अपलोड भी कर दिया तो अगर आप लोगों ने वीडियो अंत तक देखा, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना, चैनल को नहीं भी तो कहना कि अपने तो मिल जाएंगे, तब तक के लिए राधे राधे, मिलते हैं फिर से भाई, सोने जा रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है बहुत तगड़ी, कल मिलते हैं तुमसे, गुड नाइट।